अपनी साफ गोई से वह कर्ज बोझ को अंगीकार करते हैं तो प्रदेश की उम्मीदों को नई उड़ान भी देना चाहते हैं। अनेक विषयों पर बेवाकी से राय पेश करते हुए जयराम ठाकुर ने प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाने का वादा किया तो कई अनछुए मुद्दों पर हमारे राज्य ब्यूरो प्रमुख मस्तराम डलाल से विस्तृत बातचीत की। अपने 6 माह का सफल कार्यकाल पूरा कर रही है इस सरकार ने। कसौली गोलीकांड के जख्म झेले हैं, शिमला का जल संकट देखा है, बावजूद इसके सरकार अपनी जनहित नीतियों में जनता के ऊपर अपना विश्वास कायम रखने में सफल हुई है। बात करते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कि इन्होंने अपने 6 माह का कार्यकाल कैसे देखा, कितनी चुनौतियां हुई, क्या हुआ इस दौर में। बतौर जयराम ठाकुर को आप कहाँ देखते हैं, 6 महीने पहले विधायक जयराम ठाकुर, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कितना अंतर देखते हैं और क्या महसूस करते हैं? निश्चित रूप से जिम्मेवारियाँ बड़ी हैं, जिम्मेवारियों का एहसास भी है और इन 6 महीने के इस कार्यकाल में बहुत सारी बीच में ऐसी बातें भी जिनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जो घटनाएं परेशान करने वाली भी थी वो भी कुछ घटित हुई और उसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिन बातों को लेकर के उस दौर में से निकलना कई बार कठिन महसूस होता था और लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अच्छा भी हुआ लेकिन कुछ घटनाएं जो है वो ख़राब होने के बावजूद भी हम उसमें भी बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सीखने के बाद हम आगे बढ़ कर के जो है उसमें से निकल कर के आए हैं, समाधान के हमने रास्ते निकाले और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेहतरीन ये 6 महीने बीते हैं और 6 महीने के इस कार्यकाल में पूरे प्रदेश भर में मुझे जहाँ जनता के बीच में जाने का मौका मिला, अपनी बात को साझा करने का मौका मिला, जनता ने भी परिवर्तन को स्वीकार किया है, दिल से स्वीकार किया है और वर्तमान सरकार को सहयोग और समर्थन हर जगह मिल रहा है। टोपी है ना लाल टोपी है, एक नए हिमाचल का निर्माण करने निकले हैं जयराम ठाकुर, तो आप अपना 6 माह का ये जो आपका कार्यकाल है कितना ग्राउंड तैयार कर लिया आपने, कितना आधार बना लिया आपने? 6 महीने के इस कार्यकाल में जहाँ तक राजनीति की आप बात कह रहे हैं, राजनीति एक जगह लेकिन हमने ये 6 महीने विकास के लिए समर्पित किए हैं और ख़ास तौर से जो टोपी का आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बीते ज़माने की बात हो गई, आज टोपियों का जिक्र नहीं, टोपियों का प्रचलन नहीं, उन टोपियों को हम सिर्फ यहाँ तक कि वो हिमाचल की संस्कृति का प्रतीक है इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसी रूप में उनको देखना चाहिए मुझे लगता है। दूसरे हिमाचल प्रदेश में इन 6 महीने के कार्यकाल में मैं इस बात को कह सकता हूँ कि शायद कोई भी मुख्यमंत्री 6 महीने के कार्यकाल में 47 विधानसभा क्षेत्र का प्रवास कर चुका हो। अभी तक हमने 6 महीने के कार्यकाल में जहाँ निर्णय सरकारी स्तर पर जो अधिकारियों के साथ बैठकर करने थे वो निर्णय भी किए, मंत्रिमंडल में जो निर्णय करने थे वो भी किए और उसके साथ साथ में जनता के साथ भी सतत संपर्क बना रहे, ये मुझे लगता कि बहुत आवश्यकता पर ख़ास तौर से ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में जहाँ पहली बार मेरा मुख्यमंत्री बनना हिमाचल प्रदेश के बीच में ये हुआ पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से, वहाँ इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की कि मुझे जनता का आशीर्वाद देने के लिए, सहयोग लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए उनकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके बीच में भी रहना, उनके बीच में भी जाना, चीज़ों को समझना और चीज़ों को समझ करके जो है आगे किस प्रकार से प्रदेशित में किया जा सके उस दृष्टि से बहुत लाजमी था, जरूरी था और इसलिए मैंने हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से का प्रवास किया है। ठाकुर साहब, सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद है कि जो पीछे एक स्थापित व्यवस्था थी, सरकार बदलने के बाद एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने के बाद एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करना, इन सारी बातों की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलती थी। हमने कहा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, मेरा ये कार्यकाल लगातार जनसेवा के लिए है, समर्पित है जनता के लिए और इसमें मैं अपना वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ इन बातों पर जिन बातों पर आज से पहले वक्त जाया करते रहे सरकार का नेतृत्व जो होता था उस वक्त का, तो इसलिए मुझे लगता कि इस अंतर को प्रदेश की जनता ने भी स्वीकार किया है कि ये बहुत अच्छी एक पहल है, काम पर फोकस करना, सिर्फ काम और काम के सिवाय और कोई काम नहीं।
और मंजिल क्या है सरकार की? मंजिल हिमाचल एक अलग पहचान के साथ हिमाचल पूरे देश दुनिया में जाना जाए, और उसमें खास तौर से विभिन्न विभागों के माध्यम से हम काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से मुझे इस बात की खुशी है कि इन 6 महीने के कार्यकाल में मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलना, मिलकर के बात रखना, हिमाचल का पक्ष रखना, प्रधानमंत्री जी से मिलना, अपना पक्ष रखना, हिमाचल के हित की बात करना, और उसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में 4,365 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 6 महीने के कार्यकाल पूरा होने से पहले स्वीकृत होकर के आना, ये मुझे लगता है कि उन विपक्ष के लोगों को जो गाहे बगाहे बातें करते रहते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, दिल्ली जाते हैं कुछ नहीं मिला, दिल्ली जाते हैं ये सारी बातों को लेकर के चर्चा करूँ, उनके मुझे लगता है कि उसके बाद उनके पास अब कहने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बहुत सफलतापूर्वक ये 6 महीने का कार्यकाल रहा है और हिमाचल प्रदेश को इस 6 महीने के कार्यकाल में बहुत कुछ हासिल किया। कहीं ना कहीं आप पे भी हावी हुआ है, जाहू में एयरपोर्ट की संभावनाएं थी उसको आपने नज़रअंदाज किया, कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का था वो मसला ठंडे बस्ते में डला, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कहीं भी इस प्रकार की बातें नहीं है। कांगड़ा एयरपोर्ट का मामला मैं खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिल करके आया हूँ और आदरणीय शांता कुमार जी से हमारी बात हुई, केंद्र में हमारे जो मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी उनसे हमारी बात हुई, हमने बहुत ज़ोरदार ढंग से सारे विषय को रखा है। कांगड़ा का एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना ही चाहिए और इसमें जो भी सरकार की ओर से मदद करने की आवश्यकता है केंद्र सरकार को, वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में एयरपोर्ट कहाँ बनना चाहिए, ये मुझे लगता है कि क्षेत्र पर आधारित कोई विषय नहीं होता है। नेशनल हाईवे के साथ एयरपोर्ट हो, उसकी एक प्राथमिकता रही, जो सर्वे की टीम आई है और उन्होंने एक जगह का सर्वे नहीं किया, बहुत जगह का सर्वे किया है, और उसके साथ साथ में सर्वे में क्या उचित होगा टेक्निकली, उन सारी चीज़ों को लेकर के अभी कंक्लूजन पर कोई नहीं पहुंचा है। उनने सुजेस्ट किया है, 3-4 जगह सुजेस्ट की है और जो सुजेस्ट की हैं उस पर विचार चल रहा है। अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश के लिए हमारा एक लक्ष्य है कि एक बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए। हमारे पास 3 एयरपोर्ट हैं, बड़ा जहाज वहाँ पर आता नहीं है, लोड पेनल्टी के साथ जो है हमारे जो है हिमाचल वासियों को और पर्यटकों को जो बाहर से आते हैं उनको जो है बहुत बड़ा उसका किराया देना पड़ता है। अगर एयरपोर्ट बड़ा होता तो एयरपोर्ट बड़ा होने की वजह से लोड पेनल्टी का इशू वहाँ पर नहीं आता और जिसके कारण जो है सस्ते रेट पर, सस्ते किराए पर आना जाना हो सकता है, उसके लिए एक एयरपोर्ट की आवश्यकता है। ये एयरपोर्ट होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। कहाँ होना है ये सारी चीज़ों को लेकर के सर्वे की टीम वो निर्धारित करेगी और केंद्रीय जो टीम आई थी उसका निर्णय जो होगा उसके मुताबिक हम सहयोग उसमें देंगे कि ये एयरपोर्ट बने और जल्दी बने। ना, मुझे इस बात को लेकर के कहना है कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, केंद्र सरकार के समक्ष रखे हैं सारी बातें, उनमें हमको सफलता हासिल हो रही है। उसमें खास तौर से हिमाचल प्रदेश में जो हमारे कनेक्टिविटी के इश्यूज थे उन सारे मसलों पर हमने बात की है और आज इस बात को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि 69 नेशनल हाईवे की हमने 53 DPR की जो आउटसोर्सिंग के प्रोसेस कंप्लीट कर ली और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश में बड़ा एयरपोर्ट हो उसके लिए भी जो चीज़ें करने के लिए थी उन चीज़ों को भी आगे बढ़ाया है। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ पर्यटन मेरे हिमाचल प्रदेश का एक सपना है। हम बहुत बोलते रहे आज से पहले, बहुत सारे बातें करते रहे लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं किया गया, तो मैंने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन राज्य के रूप में इसको विकसित करने की दृष्टि से कुछ प्रोजेक्ट सोचे हैं जिन पर हमने काम शुरू कर दिया है और जिसमें मैं एक बात कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले हेली टैक्सी की शुरुआत नहीं हो पाई लेकिन हमने मुख्यमंत्री होते हुए अपना ही हेलीकॉप्टर जो है सप्ताह में 3 दिनों के लिए जो है टूरिज्म को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा हिमाचल प्रदेश में देने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से चंडीगढ़ के लिए इसकी शुरुआत की और जिसमें मुझे इस बात की खुशी कि वो सफलतापूर्वक हमारा ये कार्यक्रम आगे चल रहा है और उसी को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी पर्यटन से संबंधित बहुत सारी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, निर्णय करने की प्रक्रिया चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसमें हम सफल होंगे। बताओ मुख्यमंत्री, हमारी आशा ये है कि हमारा हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़े,
जैसा जैसा हमने नारा दिया है विकास की राह पर शिखर की ओर हिमाचल, तो वो एक सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें जो आज से पहले विकास की दृष्टि से अनछुई रही, काम नहीं हो पाया, उन सारी चीज़ों को लेकर के चाहे वो शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में विकास की विकास को एक अलग आयाम के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे वो हमारा यहाँ पर ट्रैफिक का इशू है, ट्रैफिक के साथ हमारे जो पेयजल से संबंधित कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ इसके साथ साथ में हमारे पार्किंग से संबंधित इशू आते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को शहरी क्षेत्रों में भी काम करने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, जैसे स्कूल है, स्कूल का भवन नहीं है, कॉलेज है फटा लगा लेकिन भवन नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन भवन नहीं है, भवन है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में टीचर नहीं है, ये सारी खामियाँ बहुत बड़ी पीड़ा देती हैं आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में। हम उस सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को पार पाने के लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा स्वाभाविक रूप से आप अंतर महसूस करेंगे। क्या हिमाचल अपने कर्ज का बोझ कभी उतार पाएगा? कर्ज बहुत बड़ा है हिमाचल के लिए, आज की तारीख में 40,500 करोड़ से ऊपर का कर्ज हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालते हुए हमको मिला, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये कर्ज कम हो, खत्म की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कर्ज कम हो, आने वाले समय में ये कर्ज ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए जो किया जा सकता हो करने की कोशिश है। केंद्र के समक्ष हमने हिमाचल का पक्ष रखा है, केंद्र भरपाई करेगा इस चीज़ की इन सारी बातों को लेकर कहना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कर्ज अपनी जगह है, और जिसके लिए दोषी हम नहीं हैं, दोषी वो लोग हैं जो लोग सत्ता से आज बाहर हैं। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में विकास को गति दे करके उसको बनाए रखें, उसमें और ज़्यादा गति लाएं, उसके लिए केंद्र से हम सहयोग डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो जिस भी विभाग के माध्यम से हम ले पा रहे हैं वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अपना पक्ष हमने रखा है कि कुछ रियायतें अगर हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ में और भी हिमाचल प्रदेश को विभिन्न विकास कार्यों के लिए जो सहयोग हो सकता है, वो सारी बातें केंद्र के समक्ष हम रख रहे हैं। बहुत सारी बातें स्वीकार भी कर ली केंद्र ने, बहुत सारी बातें मान ली, और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक निर्णय हमारी केंद्र सरकार का है कि केंद्र की अधिकांश योजनाएं जो प्रदेश सरकार के माध्यम से लागू होती हैं उसमें जो है हमारा रेशो 90-10 का करना, वो बहुत बड़ी एक सफलता और एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र की ओर से मिली है। इस लेट डिलीवरी के पीछे क्या वजह है? देखिए, सारी चीज़ों को लेकर के सब चीज़ें तुरंत होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। एक तरफ से हम बनाते हैं तो प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के नीचे, उसके बावजूद भी जहाँ पर चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, और एक तरफ से जब नहीं बनाते हैं कुछ वक्त के लिए, हम कहते हैं कि थोड़े वक्त बाद बनाएंगे, तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि नहीं बनाए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, समय आने के साथ साथ में, अभी 6 महीने हुए हैं तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और जो आवश्यकता होगी सरकार के चलाने के लिए और सरकार को मजबूत करने के लिए, और हमारे जो संगठन के हमारे जो साथी हैं, सहयोगी, उनको अकोमोडेट करने की दृष्टि से समय समय पर उनका निर्णय लेते रहेंगे, और जो भी निर्णय होगा वो ठीक निर्णय होगा। अभी तक कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं, देखिए 6 महीने के कार्यकाल में से ये संभव नहीं है, 3-4 महीने तो अफरा तफरी में शुरू की सरकार के जाते हैं, चाहे नई हो सरकार, चाहे पुरानी हो, चाहे बड़े नेता हो, चाहे पुराने नेता हो, चाहे नए नेता हो, इस बात को समझना चाहिए, और व्यवस्थित होकर के अब सरकार चल रही है, इन सारी चीज़ों पर भी काम कर रहा है। राम ठाकुर, अपनी जो एक डिप्रेशन होती है, जो काम का बोझ होता है, उसको कैसे हल्का करते हैं? मनोरंजन, कोई धुन या खान पान का कोई शौक, कि क्या है आपकी ऐसी चीज़ें कि आप फाइलों से हटके कुछ अपने फाइलों से हट करके जब हमको वक्त मिलता है, एक तो वक्त मिलता नहीं है, जो मिलता है अपने राजनीतिक दोस्त साथी हमारे जितने भी हैं उनके साथ बातों को साझा करते हैं, गपशप मारते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विशेष इस प्रकार से हमने अभी तक इन 6 महीने के कार्यकाल में, जब सारी चीज़ें ठीक प्रकार से अब चल पड़ी हैं तो आगे सोचेंगे इन बातों। आप अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आंकलन कर रहे हैं,
निश्चित रूप से मंत्रियों को की परफॉर्मेंस का आकलन भी होता है और जो आवश्यक होता है मंत्री से हम बात भी करते हैं कि ये करना उचित होगा। तो परफॉर्मेंस के आधार पे क्या ऐसा संभावित है कि फेरबदल भी होगा, कोई रिशफलिंग होगी? अभी कोई संभावना नहीं है इस प्रकार की, लेकिन राजनीतिक लोग हैं और सरकार चलाने के लिए सारी चीज़ें जिस प्रकार से होती हैं हमेशा ये संभावनाएं बनी रहती हैं, तो इसलिए आज की तारीख में तो इतना ही है। इतना बदल दिया मुख्यमंत्री के पद में? मुझे लगता कि बहुत तो उसमें परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद जिम्मेवारियों का एहसास हर बात पर आता है और वो पहले की तुलना में ज़्यादा है, जिम्मेवारी बड़ी हैं तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है पहले की तुलना में, और जिम्मेवारियाँ ज़्यादा हैं तो जिम्मेवारी को निभाने के लिए गंभीरता और गंभीरता के साथ उस सारे में सबको साथ में लेकर के विश्वास में लेकर के चर्चा करना और चर्चा करने के बाद निर्णय की प्रक्रिया को अंजाम देना, ये सारी ऐसी बातें हैं जिनसे सीखने को भी मिला और उसके साथ साथ में आगे बढ़ने के लिए जो है मजबूती भी मिली है। करने के मामले में एक चीफ मिनिस्टर की आपकी पहचान बनेगी? मैं तो काम करूँगा सिर्फ, और मैं तो पहचान बनाने के लिए काम करने का मेरा विषय नहीं, मैं चाहता हूं कि हिमाचल की पहचान पूरे देश दुनिया में किसी नाम से हो, किसी बात की वजह से हो, किसी काम के लिए हो, और उसमें पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत कुछ करने की संभावना है और उस संभावना को पूरा करने के लिए हम जुटे हैं। देखता हूं कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में हैं, उनको लगा कि हमारे से कम उम्र का आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, और ये पीड़ा बहुत सारे लोगों को ऐसे होती होगी जहाँ विपक्ष के जो लोग हैं उनकी खासतौर से कुछ लोगों की इस प्रकार की जो पीड़ा है, मैं उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए एक व्यवस्था के अनुसार मैं यहाँ इस दायित्व पर हूँ, अपने इस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इस व्यवस्था के प्रति उनका भी सम्मान रहना चाहिए, ये बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए बिना वजह के टिप्पणियाँ करना, हल्की टिप्पणियाँ करना, इनसे उनका कद बढ़ेगा नहीं बल्कि उनका कद इससे और नीचा होगा और कम होगा और छोटा हो जाएगा, इस बात को उनको समझना चाहिए। अगले पड़ाव हमेशा हम लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले से ही हमने बात कही कि हम लक्ष्य निर्धारित करके काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में अगला हमारा ये लक्ष्य रहे कि हिमाचल प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में हो, हिमाचल प्रदेश का योगदान उसमें 100% रहे, उस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश करेंगे, और नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग इनको 5 वर्ष के लिए ही नहीं कई वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, उस दृष्टि से हिमाचल का सहयोग उसमें हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। राम ठाकुर अपने 6 माह की सफल कार्यकाल की उपलब्धियां बता रहे थे, कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी सरकार के रहे हैं जिन्हें इन्होंने दिव्य हिमाचल के साथ साझा किया है। कैमरामैन विक्रांत धवन के साथ मस्तराम डलैल, शिमला।